लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा होम व्लॉग पर। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं बाहर, बाहर पर ही सारा व्लॉग बनाएंगे। और बच्चे हो गए सभी रेडी, ये देखिए जानवी भी रेडी हो गई है, और अयान देखिए ये खड़ा है यहाँ नीचे, और ये भी रेडी हो गया है। अयान की ड्रेस देखिए न्यू है, इसकी नाम लाइट है। और मैं भी हो गई हूँ रेडी, फाइनली मैंने ये सूट पहन लिया है, बताइएगा कैसा लगा। और अब हम चल रहे हैं कहीं, बताते हैं आपको। ये देखिए यार के पापा भी रेडी हो गए हैं, और हमने मैचिंग मैचिंग पहना है, तो कुछ बोल के तो जाओ बोल। ये देखिए हम जा रहे हैं मंदिर, और वो आपको दिखाई दे रहा होगा इतनी ऊंचाई पर। ये देखिए ये है वो मंदिर जहाँ हम जा रहे हैं, और यहाँ पर और भी बड़े बड़े मंदिर हैं। ये देखिए वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हम फाइनली यहाँ पर आए हैं इस मंदिर में, और अब चलते हैं वहाँ पर। हम आ गए हैं, ये पहला स्टेप है देखिए रास्ते का। और ये देखिए यहाँ पर कितना भरा जंगल की तरह है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और ये रास्ता है चलने का। और ये ऊंचाई पे है जाके वहाँ पर मंदिर, तो वहाँ हम चल रहे हैं। ये देखिए जानवी, पहले हम वहाँ पर पूजा कराएं, फिर बाद में दिखाते हैं आपको। अब हम जा रहे हैं, यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर है मंदिर, वो देखिए आप देख पा रहे होंगे। वैसे तो ये लग रहा है बहुत दूर, लेकिन बहुत दूर तो नहीं है, फिर भी घर से कभी कभी बाहर निकलते हैं तो थोड़े पैर दुखने लगते हैं, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अब हम जा रहे हैं वहाँ ऊंचाई पर, और अयान को मैंने गोद में उठाया हुआ है, इसलिए मेरे पैर जल्दी दुखने लगे हैं। और जानवी भी देखिए मेरे पीछे पीछे आ रही है, लेकिन इस ये तो बच्चा है, इसको नहीं पता चलेगा। और उसका पापा भी देखिए कितनी तेज तेज चल रहा है, और मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मेरे पैर दुखने लग जाते हैं थोड़ा दूर चलते ही। तो चाहे हम मंदिर में जाए मत्था टेकने के बहाने ही सही, थोड़ा घर से निकलना चाहिए, तो थोड़ा सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो अयान को मैं दे देती हूँ इसके पापा को, और चलते हैं वहाँ ऊपर की ओर। और नैन्सी हमारी वीडियो शूट कर रही है, और थोड़ा थक गए हैं तो यहाँ खड़े हो लेते हैं, यहाँ पर छाँव है, और धूप भी बड़ी तेज ही है। ये देखिए धूप बहुत तेज हो रखी है, और अब हम चल रहे हैं, फाइनली हम मंदिर के पास पहुँच ही गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही सही। और ये देखिए अब हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं, और मत्था टेक लेंगे मंदिर के पास। इस माता की बहुत ही मान्यता है, यहाँ पर बाहर हम चप्पल निकाल देंगे, और फिर यहाँ पर जो माता के दुपट्टा होता है वो यहाँ पर बांध देते हैं। और ये देखिए नमक की थैली यहाँ पर चढ़ाई जाती है, जो मन में मुरादें मांगते हैं ना उनकी मुरादें पूरी हो जाती है, और यहाँ पर नमक की थैली चढ़ाते हैं। हम भी लाए हैं एक नमक की थैली, और हम भी चढ़ा देंगे। तो ये अंदर लोकेशन आ दे, ये पकड़े यहाँ ऊंचाई पर आकर देखिए कितना सब छोटा छोटा लग रहा है गांव। और ये देखिए पेड़ पौधे और घर, और वो देखिए हनुमान जी की आकृति। मैं आपको वहां पर भी लेके जाऊंगी उस मंदिर में फिर कभी। और ये मंदिर है देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये है महाराजा अग्रसेन जी के मंदिर है, और यहाँ पर भी जाएंगे कभी। और ये देखिए गांव कैसा लग रहा है, ये अब हम चल रहे हैं नीचे की ओर। और देखिए बहुत दिनों के बाद ऊंचाई पे चढ़े थे तो थोड़े पैर दुखने लगे हैं, तो अब नीचे भी उतरना, तो हम जा रहे हैं नीचे। ये आ गए हैं, ये देखिए पेड़ पौधे बिल्कुल एक दूसरे के पास पास लगे हुए हैं, तो कोई जगह भी नहीं यहाँ पर कोई अंदर घुस जाए। तो ये देखिए यहाँ पर रास्ता, और फाइनली हम नीचे आ गए हैं। और ये देखिए इतनी ऊंचाई से आए हैं, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, फिर भी घर पर रहते हैं, कभी कभार बाहर निकलते हैं तो थोड़े पैर दुखने लग गए, तो कोई बात नहीं, और सांस भी चढ़ गए क्योंकि ऊंचाई से आए तो भाग भाग
जाते वक्त तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन आते वक्त भाग कर आए। हम आ गए हैं नीचे और ये देखिए भाग भाग कर बिल्कुल सांस चढ़ गई है, क्योंकि गए थे तो ऊंचाई पे था, वो थोड़ा धीरे धीरे गए और आए तब भाग भाग के आए तो सांस चढ़ गए। और हमारी ये देखिए छोटी सी मुन्नी, इसको बिल्कुल भी सांस नहीं चढ़े क्योंकि ये तो गोद में है, इसको क्या पता है ना। हेलो कर दो हयान, हेलो। और ये जानवी देखो, ये भी दौड़ के आई है, इसको भी सांस चढ़ गए। और हमारे ये गुंगा भाटा नहीं बोलेगी। और ये देखिए बाहर का व्यू, रोड का व्यू है ये, और देखिए रास्ता कैसा हरा भरा खेत है यहाँ पर, और ऊंचाई पर वो मंदिर था। यहाँ पर पेड़ पौधे देखिए एक साथ के दूसरे पास पास लगे हुए हैं, और वो देखिए मंदिर, चलो उसमें चलते हैं अब, वहाँ पर दिखाएंगे आपको। और ये देखिए हम फाइनली इस मंदिर में आ गए हैं, जो मैं आपको बाहर से दिखा रही थी, तो अब अंदर आ गए हैं हम। और यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी आकृति है, तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी वो। चलिए चलिए अब इस मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। सामने है मंदिर और ये देखिए आगे चल रहे हैं यान के पापा और जानवी, और मैं चल रही हूँ इनके पीछे पीछे, और नैन्सी हमारी वीडियो शूट कर रही है। तो यहाँ पर आज संडे है ना, इसलिए इतनी भीड़ हो रखी है, और वैसे यहाँ पर रहती है भीड़ ही, क्योंकि ये मंदिर ही बहुत ही फेमस मंदिर है। और ये अब चले हम अंदर मंदिर के, ये सीढ़ियाँ हैं देखिए मंदिर की, और अब मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ मंदिर, दिखा देती हूँ आपको कितना सुंदर मंदिर है। और ये देखिए श्रद्धालु कैसे बैठे हुए हैं, इन्होंने ये बड़ी दूर से आए हैं, इन्होंने पूजा कर ली है, और इसलिए अब ये आराम कर रहे हैं क्योंकि ये दूर से आए हैं। और ये देखिए अब हम सामने चलते हैं मंदिर, दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको चारों तरफ से। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, और सामने है शेरा वाली माता जी की फोटो, और वहाँ पर हम टेकेंगे मत्था टेक लेंगे और प्रसाद ले लेंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे यहाँ पर। और अब आ गए हैं हम यहाँ पर, ये देखिए हमने प्रसाद ले लिया है, और जानवी भी ले रही है प्रसाद, और ये भैया जो माथे में तिलक लगाते हैं वो तिलक लगवा लिया है हमने। अब इसकी चारों तरफ से परिक्रमा कर लेंगे, एक चक्कर लगा लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए हमने यहाँ पर मत्था टेक लिया है और चक्कर भी लगा लिया और बाहर आ गए हैं। ये देखिए दुकानें भी लगी हुई है यहाँ पर, और वो अयान के पापा बाहर खड़े हैं। इस मंदिर की एक खासियत यह बात है कि यहाँ पर ये चिनाई का काम कभी बंद नहीं होता, हरदम घड़ी चिनाई का काम शुरू रहता है, ये इसकी खासियत बात है। और ये देखिए अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, एक बार पहले आए थे तब यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, तो अब खुला है, तो यहाँ पर चलेंगे अंदर, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये देखिए पहले यहाँ बंद रहता था, तो अभी ये खुला है, तो इसलिए यहाँ पर इतनी सफाई नहीं है, पानी भी थोड़ा गंदा हो रखा है। तो ये देखिए, ये देखिए शिव जी का वो नज़ारा है जहाँ शिव जी ने विष पिया था, जो पानी में जहर मिल गया था, और यहाँ पर शिव जी ने विष पिया था, उसकी आकृति बनाई हुई है। और हमारी नैन्सी देखिए वहाँ पर बैठी है और फोटो खिंचवा रही है। और ये देखिए दिखाई दे रही हो आपको नैन्सी, और ये पूरी आकृति देख लीजिए, ये हमारे शिव जी महाराज बैठे हैं ऊपर, देवताएं हैं, और एक तरफ ये राक्षस है जो आपने देखा होगा महाभारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और न्यू है तो मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम घर पर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, और मंदिर बहुत ही बड़ा है, सारी वीडियो मैंने शूट की है, उसके अंदर ही कैंटीन है, और हमने क्या खाया वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़े कल वीडियो जो डालूंगी उसमें अपलोड कर दूंगी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए मेरे चैनल पर।